Assalamualaikum students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus. This is the lecture of Mathematics, Grade 4, Unit Number 2, Multiplication and Division. And this is the first lecture of this chapter. First of all, students, open your books and notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. In this lesson, I will tell you about multiplication. So, first of all, I will tell you about multiplication of a one-digit number. For example, we have an example, multiply 873 by 2. So, now you have to multiply. Okay. So, jab hum ise multiply karenge, aapke paas answer yeh aayega. Abhi answer kaise aaya hai? Look. 2 multiply 3, 6. Humne yahan pe 6 likh diya. 2 multiply 7, 14 आता है. आप 4 यहाँ लिखेंगे और 1 को carry कर देंगे. 2 multiply 8, 16 आता है. 16 में आप ये 1 carry add करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा? 17. आपके पास ये answer आएगा. लेकिन अब मैं आपको detail में ये answer समझाऊंगी कि ये कैसे आता है. अब ये देखें. 3 ones में को जब मैं 2 के साथ multiply करूंगी, मेरे पास क्या answer आ जाएगा? 6 ones. इसी तरह से जब मैं 7 tens को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 14 टेंस. अब आप 14 टेंस इकट्ठे नहीं लिख सकते, आप क्या करेंगे, उसको कैसे रीड करेंगे? 104 टेंस. क्योंकि ये देखें, ये आपके पास थर्ड नंबर चला जाता है, तो वो 104 टेन बनेगा. और ये जो 100 होगा, आप इसको ऊपर कैरी कर देंगे और वो टेंस वाला नंबर यहाँ लिखेंगे. 100 वाले नंबर को आप कैरी कर देंगे. इसी तरह से जब आपने नेक्स्ट किया, 2 मल्टीप्लाई 8 जब आपने किया, मतलब 800 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास क्या है? 1600. अब आपके पास आंसर 1600 आया, लेकिन आपने ये जो 1 है ये कैरी, ये ऐड कर देना. और ये आपको पता है कि ये यहाँ पे 100 वाला था. 1600 प्लस 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1700. अब आप इस 1700 को कैसे लिखेंगे? 1700. ये देखें, ये जो 1700 है, ये हमारे पास क्या है? 1700. अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, मल्टीप्लाई 8270 बाय 6. इसको भी वैसे ही हम लिखेंगे. अब आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया. जब आपने इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई किया, देखें, 6 मल्टीप्लाई 0 0, 6 मल्टीप्लाई 7 42, 2 यहां पे आ गया और 4 कैरी हो गया. 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 में जब 4 कैरी जो है वो ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 16. 6 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी. अब ये 2 मल्टीप्लाई 8, आपके पास क्या आ जाएगा? 48. अब 48 में जब आप 1 ऐड करेंगे, ये सॉरी 6 मल्टीप्लाई 8, जब आप 48 आएगा. अब जब 48 में आप 1 ऐड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 49. अब इसकी भी डिटेल मल्टीप्लीकेशन देखते हैं. देखें, जब आपने 0 वंस, यहाँ पे आपके पास वंस जो है वो 0 है, जब 0 वंस को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 0 वंस. इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है 7 टेंस. 7 टेंस को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 42 टेंस. अब 42 टेंस आप यहाँ पे टेंस लिख सकते हैं, और जो आपके पास 100 वाला नंबर है आप एक कैरी करेंगे. सो ये क्या बन जाएगा? 402 टेंस. अभी जो 100 वाला नंबर है वो आप कैरी कर देंगे और टेंस वाला नंबर आप यहाँ लिख देंगे. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 200 जो नंबर है, 200 वाला नंबर जो है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 1200. अब क्या है, आप ये 1200 से आपके पास, और आपने ये जो 400 ये जो कैरी वाले हैं उनको ऐड कर देना. 1200 प्लस 400 आपके पास क्या आ जाएगा? 1600. अब आप 1600 को कैसे लिखेंगे? देखें, आप ये आपके पास आ जाएगा 1600. अब आप यहाँ 600 वाला नंबर लिखेंगे और ये जो 1000 वाला है इसको आप कैरी कर देंगे. यहाँ पे 1 कैरी आ गया. अब नेक्स्ट आपने जब ये इसको मल्टीप्लाई किया, अभी आपके पास 14 आया है. 14 कैसे आया है? 8000 मल्टीप्लाई 6, तो आपके पास आ गया 48000. अब आप इस 48000 में जब 1 कैरी वाला ऐड करेंगे, आपके पास क्या बन गया? 49000. आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 49620. अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है
Calvin's mother saved rupees 125 for him every month. How much money would she save in 30 months? अब how much money जो है वो save करेंगी 30 months में, अगर वो 125 जो है वो एक month में हर month में save कर रही है, तो वो 30 months में कितना save करेंगी? अब रुपीज 125 को, क्योंकि ये एक मंथ की है अमाउंट, आप इसको क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनों से आपने फाइंड करना है, जितने मंथ से आपने फाइंड करनी है आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या है। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये जो 30 है इसको सेपरेटली कर लिया, 3 और 10 दो नंबर्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगी कि 125 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, 125 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। लुक, जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर ये आया। अब ये कैसे आया, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 5 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 और ये 1 कैरी जो है वो मैं ऐड कर लूँगी, क्या हो जाएगा 7, 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 1 3, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 375। अब इसका मतलब है कि वो ये आपने फाइंड किया 3 के साथ, मतलब कि वो 3 के, जब आपने 125 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आपके पास रिमेनिंग क्या रहता है 10, आपने अब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। आपको 10 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब पता है कि देखें इस 1 को आप मल्टीप्लाई करें 375 के साथ, आपके पास 375 आ गए। अब 10 में 1 0 होते हैं, जितने जीरोज होंगे आप वो जीरो साथ में ऐड कर दें। अब जैसा यहाँ पर 10 था इसमें 1 0 है, तो देखें आपके आंसर के साथ 1 ऐड हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लाइंग बाय टू डिजिट नंबर। अब आपने किसी नंबर को टू डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, अब उसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 175 मल्टीप्लाई बाय 12, आपने 175 जो है उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब मैंने फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन की तो मेरे पास ये आया, मतलब जब 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 5s are 10 0 और 1 कैरी, 2 7s are क्या होगा हमारे पास 14 और 1 कैरी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 1s are 2 और ये 1 कैरी आया, तो देगा ये बन जाएगा 3। अब ये कैसे आया, जब आपने 175 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखें ये 1, अब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। आपको पता है कि जब हमने नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लीकेशन में जाना होता है, मतलब कि आपने दूसरे डिजिट में जाना है, जैसे अभी मैं टेंस में जा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी पहले एक जीरो लगाऊंगी। टेंस में जाने के लिए दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या करना है, एक जीरो लगाना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या किया है जीरो लगा दिया। अब जीरो लगाने के बाद क्या है, 1 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे 5 आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई 7 यहाँ पे 7 आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया। अभी आप देख लें कि ये 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन है, 10 के साथ क्यों मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जीरो लगाया हुआ, ये टेंस के साथ है। ओके, अब जब अब एंड में हमने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, जीरो प्लस जीरो जीरो, फाइव प्लस फाइव, ये आपके पास क्या आ जाएगा जीरो, और यहाँ पे आपके पास वन कैरी हो जाएगा, तो ये 11 बन गया, और 11 यहाँ पे वन कैरी, तो आपके पास ये 2 आ गया, तो 2100। ओके, अब आपके पास क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय टू डिजिट नंबर, आपने वही वाली है कि टू डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल क्या है, 725 मल्टीप्लाई बाय 26, आपने 725 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 26 के साथ। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर ये आया, मतलब ये जो फर्स्ट वाले डिजिट को भी मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखें कैसे किया है, 6 टाइम्स 5 इज 30, 0 यहाँ पे लगा और 3 कैरी हो गया, फिर 6 टाइम्स 2 इज 12, 12 में जब ये कैरी 3 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 6 मल्टीप्लाई 7 इज 42, 42 में जब 1 ऐड करूँगी ये मेरे पास क्या हो गया 43। अभी मैंने क्या किया, 725 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए अब ये मैंने ये टेंस वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि जब टेंस वाले नंबर में जाना है तो यहाँ पे मुझे पहले जीरो लगाना होगा, मैंने यहाँ पे पहले जीरो लगाया, उसके बाद क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 मेरे पास क्या है जीरो और ये 1 कैरी चला गया,
उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास क्या आ गया 4, 4 में जब 1 ऐड होगा कैरी मेरे पास क्या आ जाएगा 5, फिर 2 मल्टीप्लाई 7 40, यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया। अब ये क्या है 725 को जब मैंने 20 के साथ ऐड किया मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस आंसर को ऐड कर लेंगे। तो 0 में 0 ऐड किया यहाँ पे 0 आ गया, 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 4 8 और यहाँ पे 1, इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव अ होमवर्क, डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 30 टिल 38 ऑन योर बुक्स, एंड योर नेक्स्ट टास्क इज डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 39 ऑन योर नोटबुक्स। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है, वन डिजिट मल्टीप्लीकेशन और टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, तो आपने ये अच्छे से कर लेने अपने नोटबुक पे। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेसन, अल्लाह हाफिज़।